नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रातः दर्पण और मैं हूं आपके साथ अंजलि वर्मा। तो खबरों के सिलसिले को बढ़ाते हैं आगे, नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। थाना ताजगंज के तोरा चौकी करभना गांव के युवक की पुलिस की घुसखोरी के चलते जान चली गई। मृतक के परिजनों ने शव को तोरा चौकी पर रख चौकी को आग के हवाले कर दिया। पुलिस ने आक्रोशितों को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। मामले को भड़ता देख प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए। थाना पुलिस की घूसखोरी के मामले कई बार सामने आते रहते हैं, परंतु अब तो पुलिस ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। ऐसा आरोप करभना गांव के मृतक पवन के परिवारजनों ने थाना ताजगंज पुलिस पर लगाया है। जी हां, आपको बताते चलें कि तोरा चौकी के पुलिसकर्मी की हट धर्मिता ने एक युवक की जान ले ली। मृतक परिजनों ने बताया कि ट्रैक्टर सड़क पर चलाने की एवज में चौकी इंचार्ज महीनेदारी लेते हैं। आज मात्र दो दिन लेट होने के चक्कर में पुलिस ने युवक की जान ले ली। आक्रोशित परिजनों ने मृतक के शव को सड़क पर ही रख रोड को जाम कर दिया। कुछ उत्तेजित परिजनों ने तोरा चौकी में आग लगा दी, जिससे सारी सरकारी फाइलें जलकर खाक हो गई। जब मृतक के परिजनों से जानकारी लेनी चाहिए तो देखिए किस तरह उन्होंने पुलिस पर आरोप की बौछार कर दी। मैं कसम खा के कह रहा हूँ, बर्दी कसम खा के कोबरा नौ देवी में पहुंची, बोले 2000 रुपया चाहिए। मैं कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, उनने गोली दी उनने, और मैंने कि अकाउंट नंबर दे, पैसे मैं सेंड कर रहा हूँ। बोले तुम्हारे से सेंड नहीं करवाएंगे। भाई अगर ले आके 2000 रुपया कोबरा, आज का मामला जी है, ट्रैक्टर चल रहा था पीछे ने कोबरा दबा दी, मैं पीछे था, कोबरा बोल रही 2000 रुपये चाहिए, भाई मेरे पास नहीं है। उन्होंने ट्रैक्टरों के पीछे दबा, मैं रोके वो नहीं रुके, वो उन्होंने ट्रैक्टर के पीछे दबा दे दी, उन्होंने ट्रैक्टर के पीछे बोले जल्दी में भगा के ट्रैक्टर खाई में गया। वो वैसे मैं देता तो कुछ नहीं होता, वो तो पुराना उनका तो काम यही है, काम यही है। अब नाम तो जरिमान तोरा चौकी और बसी चौकी 10,000 रुपया महीना में चौकी पे लेते हैं 10,000 रुपये। अभी ड्यूटी चल रही है, वो नौकरे मुझे 10,000 रुपये दो और ले ले पहले, आप नौकरे दो और मैं दबाव दूंगा, फिर उनने फिर दबाव डाला वाले बीचे तोरा चौकी। हाँ बस तोरा चौकी यही मैटर है, यही करते मैं तो यही भाई, यही मैं मालूम मेरे माले में पैसे दिए हुए हैं, अभी भी दो दिन छुट्टी हुए, मैंने पैसे दिए हैं, मैं 100 रुपये में बस, खाली 100 रुपये की बात होती थी। अच्छा, 100 रुपये की बात, 100 रुपये की वजह से भाई की जान गई है। परिजनों का आक्रोश बढ़ता देख एसपी सिटी ने तत्काल प्रभाव से पीएसी को मौके पर बुला लिया, लेकिन मृतक के परिजनों के आक्रोश के आगे पुलिस की एक ना चली और परिजनों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। पुलिस ने अपने बचाव के लिए भीड़ पर आंसू गैस के गोले छोड़ दिए। मामले को भी तूल पकड़ता देख एसएसपी, आगरा, आईजी और जिलाधिकारी प्रभु एन सिंह भी मौके पर पहुंच गए। तब कहीं जाकर बमुश्किल मृतक के शव को उठाकर पोस्टमार्टम घर भिजवाया गया और आश्वासन देकर परिजनों को शांत करवाया गया। ऐसा है कि आज दिन में करीब 11:30 बजे के आसपास पुलिस को ये सूचना मिली कि एक व्यक्ति की ट्रैक्टर के पलटने से मौत हो गई है, और इस सूचना पर इनिशियली तो पुलिस ने शांति मांगलिक हॉस्पिटल पहुंचकर वहां जो लोगों का गुस्सा था उसको नियंत्रित किया, लेकिन पीछे से चूँकि गांव नज़दीक था जहां का वो युवक था, वहां के गाँव के काफ़ी लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने हमारी जो थाना ताजगंज की चौकी है उसमें तोड़फोड़ करी और उसमें आगजनी वगैरह करी है। सीसीटीवी कैमरा से उन लोगों को चिन्हित किया जा रहा है, मौके पर जिलाधिकारी और एसएसपी स्वयं मौजूद हैं और हम लोगों का प्रयास होगा कि जिन लोगों ने कानून को हाथ में लेने का प्रयास किया उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई करेंगे। अभी फिलहाल मौके पर पूर्णतया शांति है, लेकिन जो भी घटनाक्रम हुआ है उस घटनाक्रम की तह तक जाने के लिए कि क्यों ऐसा घटना हुई, किन लोगों ने इसमें लोगों को भड़काने का काम किया है, वो सब चिन्हित किए जाएंगे, उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी। देखिए, एक ट्रैक्टर अभी कुछ न समय पहले पलट गया था, एक्सीडेंट हुआ था, उसमें एक बच्चे की मृत्यु उसमें हुई थी, एक लड़के की उम्र करीबन 20-22 साल हो गए। कुछ लोगों ने उपद्रव मचाने की यहाँ पे कोशिश न कर रहे उनको फिलहाल पूरे क्षेत्र को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। चारों ओर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर वाहनों की आवागमन पर रोक लगा दी है, लेकिन अब देखना ये होगा कि आगरा शहर कप्तान बबलू कुमार ऐसे घूसखोर पुलिस कर्मियों पर क्या कार्यवाही करते हैं। थाना ताजगंज के तोरा चौकी के कुछ पुलिस कर्मियों के चलते करभना निवासी एक युवक की जान पर बनाई। पीड़ित के परिजनों का आरोप है पुलिस कर्मी ट्रैक्टर ट्रॉली निकालने गए, उसमें 100 रुपये की डिमांड करते हैं, यदि 100 रुपये नहीं दिए जाते तो उनके ट्रैक्टर और ट्रॉली को वहां से नहीं निकलने दिया जाता। आज भी ऐसा ही वाकया सामने आया है, ट्रैक्टर ट्रॉली निकालने के नाम पर पुलिस कर्मियों की हट धर्मता ने एक युवक की जान ले ली। मौके पर पीड़ित परिजनों ने शव को रोड पर ही रख दिया, जिससे अफरा तफरी मच गई और जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई।
आगरा एसएसपी बबलू कुमार, एसपी रोहन प्रमोद बोत्रे मौके पर पहुंचे परंतु स्थिति को नहीं संभाल सके। तब कहीं जाकर पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़ दिए और भी पीड़ितों को भगा दिया, परंतु पीड़ित इतने आक्रोशित थे उन्होंने तोरा चौकी को आग के हवाले कर दिया और तोरा चौकी के समस्त कागजात आग में खाक हो गए। अब देखने वाली बात यह होगी ऐसे घूसखोर पुलिसकर्मियों पर आगरा शहर कप्तान बबलू कुमार क्या कार्रवाई करते हैं, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। अपने कैमरा पर्सन गोपाल अग्रवाल के साथ मुकेश ठाकुर, प्रातः दर्पण न्यूज़, आगरा।